द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन. ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो प्लांट की ग्रोथ के दौरान प्लांट के अंदर होते हैं. ये क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशंस हैं? द फर्स्ट प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन प्रोसेस. डिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंदर मेनली मॉर्फोलॉजिकली चेंज आते हैं. किस तरह से? इट इज द प्रोसेस वेयर द सेल डिराइव्ड फ्रॉम द रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द कैम्बियम जो है इट डिफरेंशिएट एंड मैच्योर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. मेनली जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है उसके अंदर प्लांट के अंदर कुछ और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो लीव्स बनाता है, स्टेम बनाता है, फ्रूट बनाता है या फिर सीड्स बनाता है. इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस वाले स्ट्रक्चर अगर वो क्रिएट करता है दैट प्रोसेस ऑफ प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन प्रोसेस. द अनदर प्रोसेस इज डी डिफरेंशिएशन. नाम से ही पता चला है डी डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है. इट इज द प्रोसेस इन विच लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है दे रिगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड. क्या होता है डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएटिंग सेल्स जो होते हैं उनकी जो डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है वो लॉस हो जाती है. अगर वो अगेन अपनी कैपेसिटी टू रीडिवाइड को गेन कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं. देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज रीडिफरेंशिएशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन. किस तरह से? इट इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड दे गेट मैच्योर्ड एंड दे आर एबल टू परफॉर्म द डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन. रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो डिफरेंशिएटिंग सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होने की कैपेसिटी को लॉस कर चुके हैं वो सेल्स जो है वो मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योर होने के बाद दे आर एबल टू डू और एबल टू परफॉर्म डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन. जो भी उनका फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए एबल है बट उनकी डिवाइडेशन की कैपेसिटी नहीं है. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस जो कि प्लांट ग्रोथ के टाइम पर उसके अंदर होते हैं. थैंक यू.